नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके सारी चीजें खुलती जा रही हैं और इसी कड़ी में सरकार ने तय किया है कि करीब 6 महीने से बंद पड़े स्कूलों को भी अब 21 सितंबर से खोल दिया जाएगा। सरकारी फरमान ये है कि कक्षा 8 तक के स्कूल अब भी बंद रहेंगे और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अब खुल जाएंगे। तो इन स्कूलों को खोलने के लिए क्या है सरकार की गाइडलाइंस, किन किन राज्यों में खुलेंगे ये स्कूल और बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स के अलावा स्कूलों को और उनके टीचरों को किन बातों का रखना होगा ध्यान, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अभी 8वीं तक के स्कूल बंद ही रहेंगे। जब तक सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी नहीं होती है, उनकी पढ़ाई पहले ही की तरह ऑनलाइन चलती रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। ये नियम और शर्तें क्या हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट्स को ही स्कूल आने की इजाज़त होगी। अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। शिक्षकों के साथ भी यही लागू होगा। स्कूल आने वाले छात्रों के पास पेरेंट्स की रिटन परमिशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं किया जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री बेसिस पर होगा। यानी कि जो चाहें वो स्कूल भेज सकते हैं और जो ना चाहें वह स्कूल बच्चों को ना भेजें तो भी स्कूलों को कोई आपत्ति नहीं होगी। स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइडलाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए हैं और इनको स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप और भी डिटेल से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा फेस कवर मास्क अनिवार्य किया गया है। फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाई गई है, यानी कि इसको ज़रूरी नहीं किया गया है। स्कूल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या फिर सैनिटाइज करना होगा। परिसर में, कंपाउंड में इधर उधर थूकने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। गेट पर हर छात्र और हर स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए जाएंगे। बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे कि पेन, पेंसिल, नोटबुक या टिफिन कुछ भी आपस में शेयर नहीं कर सकते हैं, इसका बिल्कुल सख्ती से ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह के खेल या शारीरिक एक्टिविटी करने पर पूरी तरीके से मनाही रखी गई है। स्कूल आने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों या टीचर हों, उन्हें आरोग्य सेतु ऐप रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही सभी स्कूलों को पल्स ऑक्सीमीटर का इंतज़ाम करना होगा और समय समय पर इसका इस्तेमाल करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किन राज्यों में स्कूल खुलेंगे और किन राज्यों में फिलहाल नहीं, तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के स्कूल फिलहाल सितंबर के आखिर तक बंद रहेंगे। केरल में स्कूल अक्टूबर के आखिर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में भी 5 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड ने स्कूल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। गुजरात में भी स्कूल सितंबर के आखिर तक बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा में स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन स्कूल खुलने से पहले टीचर्स का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। असम और जम्मू कश्मीर में भी स्कूल 21 सितंबर से ही खुलेंगे, जिसको लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बाकी राज्यों की तरफ से अभी स्कूल पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वैसे एक और जहां कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकारों को स्कूल खोलने की इतनी हड़बड़ी क्यों है समझ में नहीं आता। ना तो पेरेंट्स से आते हैं कि उनके बच्चे अभी ऐसी स्थिति में स्कूल जाएं जब हर दिन देश में कोरोना के करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं, और ना ही टीचर चाहते हैं वो बच्चों को स्कूल में लेकर आएँ, क्योंकि तब पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान कोरोना से खुद का और बच्चों का बचाव करने पर होगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या स्कूल खुलने चाहिए या फिर हमें और सरकारों को कुछ और दिन का इंतज़ार करना चाहिए, तब तक कि जब तक कोरोना काबू में नहीं हो जाता? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे एबीपी अनकट।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए डाउनलोड करिए एबीपी का लाइव ऐप और पाइए हर लेटेस्ट खबर अपने मोबाइल में। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।